साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय और जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह ऐसा टोटका है भक्तजनों के आपको रंक से राजा बना सकता है, कंगाल को भी धनवान बना सकता है। और ये जो टोटका है भक्तजनों, यह जो उपाय है केवल 1 रुपये के सिक्के का, बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये टोटका है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो आपके घर में भी 1 रुपये का ये सिक्का धन की बरसात कर सकता है, आपके घर में धन की बरकत पड़ेगी। इसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा कि कैसे 1 रुपये का सिक्का आपको रंक से राजा बना सकता है। इस विधि के बारे में बताने से पहले भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि जैसे आपने हमारे इस चैनल को, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन का बटन दबाकर इसकी जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आती हैं, तो इसी तरह से हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है और जिसका नाम है टोना टोटका। उस चैनल का नाम है भक्तजनों टोना टोटका। आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपने हमारे को बहुत सा प्यार बख्शा है, इसी विधि के अनुसार आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद भक्तजनों, आप उसका बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि उस चैनल के ऊपर भी हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। और जो टोना टोटका चैनल का लिंक है भक्तजनों, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करने के बाद उस चैनल के ऊपर चले जाएंगे और वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अब हम आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि 1 रुपये का सिक्का आपको रंक से राजा कैसे बना सकता है। तो भक्तजनों, मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। ये जो 1 रुपये का सिक्का है, इसका आपने एक उपाय करना है भक्तजनों, केवल एक ही दिन भक्तजनों आपने इस उपाय को करना है, इस टोटके की आपने पालना करनी है। इस टोटके का जो उपाय आपने करना है, चंद्र पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्र पूर्णिमा हो भक्तजनों, पूर्णमासी हो, उस दिन आपने इस विधि का उपाय करना है। आपने अपने घर में चंद्र पूर्णिमा वाले दिन भक्तजनों थोड़ी सी चावल की खीर बनानी है। चावल में दूध और चीनी डालने के बाद भक्तजनों आपने थोड़ी सी खीर बनानी है, और ये जो खीर बनानी है इसको आपने डालना है भक्तजनों किसी मिट्टी के कसोरे में, किसी मिट्टी के छोटे से बर्तन में आपने इसको डालना है। और एक भक्तजनों आपने मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आपने देसी घी डालना है और एक बत्ती डालनी है भक्तजनों आपने, और एक लेना है भक्तजनों आपने सिक्का, 1 रुपये वाला एक कौन एक सिक्का लेना है भक्तजनों। यह जो 1 रुपये का सिक्का है भक्तजनों, इसको आपने पहले गंगा जल से धो लेना है, और गंगा जल में धो लेने के बाद भक्तजनों जो आपने मिट्टी के कसोरे में ये खीर डाली है, उसी खीर में आपने भक्तजनों 1 रुपये वाले इस सिक्के को भी गंगा जल से धोने के बाद डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो दिया है, देसी घी का दिया है, उसी खीर के ऊपर आपने भक्तजनों इस दिए को भी रख देना है उसी मिट्टी के कसोरे में। और उसके बाद भक्तजनों जब रात्रि के समय आपको चंद्रमा के दर्शन होने लगें, तो उसके बाद आपने क्या करना है भक्तजनों, आपने अपने घर की छत के ऊपर जाना है, और छत के ऊपर जाने के बाद भक्तजनों आपने पहले धरती के ऊपर, छत के ऊपर आपने थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देना है। तो उसके बाद भक्तजनों ये जो खीर है, जो कसोरे में खीर डाली है, जिसके ऊपर ये दिया है, गंगा जल का छींटा देने के बाद आपने अपनी छत के ऊपर रख देना है। और उसके बाद भक्तजनों इस दिए को आपने रोशन कर देना है अपनी छत के ऊपर, जो आपके घर की छत है उसके ऊपर आपने इसको रोशन कर देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने 11 बार इस मंत्र का
जाप करना है उस दिए की तरफ देखते हुए। श्री श्री माता महालक्ष्मी आए नमो नमः, श्री श्री माता महालक्ष्मी आए नमो नमः, श्री श्री माता महालक्ष्मी आए नमो नमः। माता लक्ष्मी जी का जे जाप करने के बाद भक्तजनों आपने नीचे आ जाना है, विश्राम करना है, और उसके बाद भक्तजनों अगली सुबह आपने जे जो कटोरा है खीर वाला आपने नीचे लेकर आना है, और उसके बाद भक्तजनों जे जो खीर में जे सिक्का पड़ा है इसको आपने निकाल लेना है, और निकाल लेने के बाद भक्तजनों इसको आपने गंगा जल से फिर से स्नान करवाना है इस सिक्के का, और इसको आपने किसी रेड कलर वाले किसी कपड़े में थोड़ी सी किसी लीर में इसको बांध लेना है। तो आपने ये जो सिक्का बांधा है कपड़े में, या तो आप इसको आप अपने घर के बने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जब भी आपने इस सिक्के को कपड़े में बांधना है तब भी आपने भक्तजनों श्री श्री माता महालक्ष्मी आए नमो नमः का जाप करते रहना है। अगर भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके घर में भी धन की बरसात होगी। आपको ये एक रुपये का सिक्का रंक से राजा बना सकता है, कंगाल से आपको धनवान बना सकता है। बहुत शक्तिशाली ये टोटका है, बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। और ये जो खीर है भक्तजनों इसको बाहर आपने किसी गऊ को डाल देना है, जो कटोरे में ये खीर है, और ये जो मिट्टी का कटोरा है और ये जो मिट्टी का दिया है इसको आपने चलते पानी में भक्तजनों बहा देना है। बहुत शक्तिशाली विधि है भक्तजनों, एक रुपये का सिक्का ऐसे आपको कंगाल से धनवान बना सकता है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।